देश भर में बेमौसम बारिश ने सभी को परेशान कर दिया है। इस बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ तक का सामना करना पड़ा है। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान फसल खराब होने का हुआ है। आपको बता दें कि सोयाबीन की फसल को नुकसान के बावजूद कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। उत्पादन और पिछला बकाया स्टॉक ज्यादा होने की वजह से दरअसल कीमतों पर भारी गिरावट देखने को मिली है। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव लुढ़ककर 4500 रुपए प्रति क्विंटल के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। जानकारों के मुताबिक सोयाबीन उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेमौसम बारिश के चलते सोयाबीन की करीब 0.34 मिलियन मीट्रिक टन फसल खराब होने का अनुमान लगाया गया है। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से 1,92,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इंदौर, सागर, मंदसौर, नीमच और रायसेन जिलों के कुछ इलाकों में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना है। मध्य प्रदेश की कुल फसल का करीब 4% जो कि 1,92,000 मीट्रिक टन के आसपास है, ये पूर्ण नष्ट हो चुका है। इंदौर में किशनगंज, नीमच में कवाई और रायसेन में शाहबाद और सकटपुर, मंदसौर में नाहरगढ़ और सागर में बारा और करबाना में सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचने की खबरें हैं। राजस्थान राज्य की बात की जाए तो राजस्थान में भी बेमौसम बारिश से 1,50,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। राजस्थान में मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा में सोयाबीन की बुआई की जाती है और इन चार जिलों की सोयाबीन उत्पादन में 75% हिस्सेदारी है। इन इलाकों में 1.5 लाख मीट्रिक टन या 675 करोड़ रुपए के सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है और कोटा जिले में सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करीब 20-25% तक का देखने को मिला है। वहीं करीब 0.34 मिलियन मीट्रिक टन फसल बर्बाद होने के बावजूद फसल वर्ष 2022-23 में सोयाबीन का उत्पादन 12.14 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले साल के 11.95 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन से 1.6% ज्यादा है। वहीं फसल वर्ष 2022-23 के लिए जो प्रारंभिक अनुमान था सोयाबीन उत्पादन का, वो 12.48 मिलियन मीट्रिक टन होने का था, लेकिन अभी उसमें थोड़ी कटौती देखने को मिली है और सोयाबीन का उत्पादन 12.14 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर स्टॉक पर नजर डालें तो फिलहाल देश में सोयाबीन का 3.25 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का पिछला बकाया स्टॉक है। फसल वर्ष की शुरुआत में सामान्य स्टॉक से 4 गुना अधिक के स्तर पर है। सरसों के उत्पादन का आधा हिस्सा जो कि किसानों और स्टॉकिस्टों के पास है, अभी भी बाजार में नहीं आया है। सरसों की बुआई अक्टूबर या नवंबर 2022 की शुरुआत तक शुरू होगी। जब तक सोयाबीन का भाव 5390 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे कारोबार कर रहा है, तब तक इंदौर में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट का रुख बना रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे सोयाबीन का भाव लुढ़ककर 4500 रुपए प्रति क्विंटल के निचले स्तर पर आ सकता है। बाजार जानकार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि त्योहारों के बाद एक बार फिर से हो सकता है कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे और भाव 4500 रुपए तक नीचे लुढ़क जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।